फास्ट समाचार के द्वारा लगभग 10 दिन पहले वन विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में एक खबर प्रकाशित की थी और इसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा वन विभाग के रेंजर से आरटीआई का आवेदन देकर वन विभाग के द्वारा बड़ागांव बीट में कराए प्लांटेशन की जानकारी और उस पर खर्च की गई शासकीय राशि की जानकारी चाही गई थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए रेंजर के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को लोकहित का हवाला देकर जानकारी प्रदान करने से मना कर दिया। शासकीय राशि का दुरुपयोग क्या लोकहित से बाहर है, ये तो रेंजर साहब भी बता सकते हैं कि क्या शासकीय पैसे का कोई दुरुपयोग करता रहे और रेंजर उस घोटाले का लोकहित का हवाला देकर दबाते रहे, जबकि शासकीय पैसा जनता का पैसा है, जनता शासन के द्वारा खर्च किए गए अपने पैसे का हिसाब क्यों नहीं मांग सकती। वन विभाग के द्वारा प्लांटेशन की बाउंड्री वॉल के पत्थर और गेट और वैध अवैध खंडे बोल्डरों का वन विभाग की भूमि से निरंतर खनन हो रहा है। वन विभाग की भूमि पर वैध चारागाह बनाकर ग्रामीणों से वसूली की जा रही है और वन विभाग के कर्मचारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, इस भ्रष्टाचार में वरिष्ठ कर्मचारी भी शामिल हैं और वन विभाग की भूमि पर जो बोर का खनन हुआ है वह अवैध है या वैध, इसकी भी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा छिपाई जा रही है। रेंजर के द्वारा अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।